1 बजे कॉलेज के ऑडिटोरियम में आ जाना, 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 1 बजे कॉलेज के ऑडिटोरियम में आ जाना। कब आना है? कल नहीं, आज। 1 बजे कॉलेज के ऑडिटोरियम में आ जाना, 1 बजे कॉलेज के ऑडिटोरियम में आ जाना, 1 बजे कॉलेज के ऑडिटोरियम में आ जाना, 1 बजे कॉलेज के ऑडिटोरियम में आ जाना भाई, 1 बजे कॉलेज के ऑडिटोरियम में आ जाना भाई, कॉलेज के ऑडिटोरियम में आ जाना। ध्रुव, ध्रुव, ओ ध्रुव, ओ ध्रुव। हाँ, इधर आ, इधर आ, ये ले। ये क्या है? 1 बजे कॉलेज के ऑडिटोरियम में आ जाना। क्यों? क्योंकि देव शर्मा जी आ रहे हैं। देव शर्मा? कौन देव शर्मा? यार हद है, तू देव शर्मा को नहीं जानता? नहीं। देश के जाने माने राइटर हैं। तो वो कुछ नहीं, 1 बजे टाइम से पहुंच जाइयो। ठीक है, ठीक है। तो आज हमारे बीच हैं कवि जगत के जाने माने नायाब सितारे, जो किसी परिचय के मोहताज नहीं। तो जोरदार तालियों से स्वागत करें मेरे फेवरेट राइटर देव शर्मा जी का। आज मैं खुद को बहुत ही खुशनसीब महसूस कर रही हूं, और मैं देव जी का तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूंगी कि वो आज हमारे बीच उपस्थित हुए। तो अब मैं देव जी से रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि वो स्टेज पर आए और अपने लाइफ और करियर के एक्सपीरियंसेस को हमारे साथ शेयर करें। तो अब मैं आप सबसे रुखसत होने की इजाजत चाहूंगी और देव जी को उनके विचार प्रकट करने के लिए स्टेज पर आमंत्रित करूंगी। सो गिव हिम अ ह्यूज राउंड ऑफ अप्लॉज। तो शुरू करने से पहले मैं प्रिंसिपल महोदय, स्टाफ मेंबर्स और आप सभी बच्चों का दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूँगा, जो आप सभी ने मुझे इस काबिल समझा, इतना मान और सम्मान दिया। तो सबसे पहले मैं अपना परिचय देना चाहूँगा। मेरा नाम है देव शर्मा और मैं एक राइटर हूँ, और करीब करीब पिछले 15 सालों से मैं इस फील्ड से जुड़ा हुआ हूँ। इन 15 सालों में मैंने बहुत सी किताबें लिखी, जिनमें से मेरे दिल के सबसे करीब है मेरी जिंदगी की पहली लिखी हुई किताब, उम्मीद। अक्सर लोगों का मुझसे यही सवाल रहता है कि आपको इस कहानी को लिखने का ख्याल कैसे और कहां से आया, और मैं हर बार हंसते हंसते एक ही जवाब देता हूं कि ये कोई काल्पनिक कहानी नहीं, बल्कि एक सच्ची घटना पर आधारित कहानी है। ये कहानी एक ऐसे नौजवान की है जिसका दुनिया को देखने का नज़रिया ही कुछ अलग था। खुश मिजाज, ऊर्जा से भरपूर और दूसरों की मदद करने के लिए हर वक्त तैयार रहता था। जिंदगी से बहुत सी आशाएं और आंखों में बड़े बड़े सपने लिए ये नौजवान दिन रात मेहनत करता था, और उसे ये पूरा यकीन भी था कि वो एक न एक दिन अपनी मंजिल ज़रूर हासिल कर लेगा। उसकी ज़िंदगी बहुत ही अच्छे तरीके से कट रही थी, पर वो कहते हैं ना कि बुरा वक्त किसी को पूछ कर नहीं आता, और ऐसा ही इस नौजवान के साथ भी हुआ। उसे इस बात की भनक तक भी नहीं थी कि आगे चल के उसके साथ होने क्या वाला था।
ये मैंने आपको एक हफ्ते की दवाई लिख दी है, तो एक हफ्ते बाद आकर के दोबारा से चेकअप करवा लीजिएगा। एक्सक्यूज मी डॉक्टर, वो वार्ड नंबर 3 के पेशेंट को होश आ गया, आप एक बार आके चेक कर लीजिए। ठीक है, तुम चलो। हेलो ईशांत, सो हाउ यू फील नाउ? डॉक्टर साहब, मैं तो एकदम ठीक हूँ, पर मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं यहाँ पहुँचा कैसे। अरे वो कुछ नहीं, रास्ते में तुम्हारा एक छोटा सा एक्सीडेंट हो गया था, बट नो नीड टू वरी, तुम एकदम ठीक हो। थैंक गॉड। अच्छा डॉक्टर साहब, मुझे ये बताएं कि मैं डिस्चार्ज कब तक हो जाऊँगा? वो मेरी एक इम्पॉर्टेंट मीटिंग है ना। वो क्या हुआ ईशान? देखो बात कुछ ऐसी है कि इस एक्सीडेंट की वजह से तुम्हारे सर और रीढ़ की हड्डी पर गहरी चोटें आई हैं, जिस वजह से तुम्हारी गर्दन के नीचे का शरीर काम नहीं करेगा। आप कहना क्या चाहते हो, कि मैं दोबारा चल नहीं पाऊंगा? नहीं ईशान, वो बात नहीं है, तुम चल पाओगे, लेकिन ये बताना थोड़ा मुश्किल है कि कब तक। ये क्या मजाक है, पहले आपने कहा था कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ और अचानक से मैंने। ईशान प्लीज संभालो अपने आप को। ईशान, ईशान प्लीज, ईशान, ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता। डॉक्टर साहब, आप मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते, आपको मुझे ठीक करने होगा। डॉक्टर साहब प्लीज, डॉक्टर साहब नर्स कुछ करिए, डॉक्टर साहब प्लीज प्लीज, डॉक्टर साहब नर्स। देखिए आप टेंशन मत लीजिए, डॉक्टर ने आपका ट्रीटमेंट शुरू कर दिया है और आप बिल्कुल सेफ हैंड्स में हैं, घबराने वाली कोई बात नहीं है, आप जल्दी ठीक हो जाएंगे। भगवान, आखिर किस जन्म का बदला ले रहे हो आप मुझसे? आपने तो मेरे सारे सपने ही चूर चूर कर दिए। मैंने क्या क्या सोच कर रखा था भगवान, क्यों? तुम्हें बड़ी हंसी आ रही है, मजाक चला है यहाँ पे? जब तुम्हारा एक्सीडेंट होगा ना और तुम्हारा शरीर काम करना बंद करेगा, तब हंस के दिखाना। बदतमीज। वैसे हाँ, मक्खी मच्छर होते नहीं है, पर तुम टेंशन मत लो, मैंने ये इंसेक्ट किलर ऑन कर दिया है, अभी तुम परेशान नहीं करेंगे। ओके, अच्छा सुनना। यस यार, वो आई एम सॉरी, मैंने तुम्हें गुस्से में पता नहीं क्या क्या कह दिया। अरे कोई बात नहीं, इट्स ओके। बाय द वे, आई एम शिवा। ईशान, व्हाट हैपेंड, अभी भी गुस्से में हो क्या? अरे नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। तो फिर अरे कुछ तो बताओ। एक्चुअली आई एम पैरालाइज्ड। पर कैसे, क्या हुआ? वो मेरा एक्सीडेंट हुआ था, जिस वजह से। ओह, ये तो काफी सीरियस इशू है। है तो खैर, वो सब छोड़ो, तुम बताओ तुम यहाँ कैसे? वो एक्चुअली मैंने सुना है यहाँ का खाना और यहाँ की नर्सें बहुत अच्छी हैं, और वैसे भी मैं डेली बाहर का खाकर पक गया था, इसलिए मैं यहाँ आ गया, सिंपल। कुछ भी, चलो इस बहाने तुम हंसे तो सही ना। अच्छा अगर तुम्हें कोई हेल्प चाहिए तो मुझे बोल देना, ठीक है, मैं चलता हूँ। अच्छा सुनो, वो मैं क्या सोच रहा था, क्या कि जब तक तुम चलना शुरू नहीं कर देते, हम एक काम करते हैं। वो क्या? मैं तुम्हें हर रोज इस खिड़की से बाहर की दुनिया दिखाता रहूंगा, ठीक है? तो चलो दिखा तुम्हें बाहर की दुनिया। अरे वाह, बाहर तो बहुत बड़ा समंदर है,
और हवा भी काफी तेज चल रही है। ईशान तुम्हें पता है एक नाले पर बहुत भीड़ लगी हुई है। क्यों? अरे नारियल पानी वाला बैठा है इसलिए। हाँ और साथ में गोले वाला भी है। और तुम्हें पता है गोली तो मुझे बहुत पसंद है, तुम खाते हो? हाँ। साथ में चलेंगे ठीक है? ठीक है। अरे वो देखो यार। शिवा ईशान को बाहर की दुनिया के बारे में बताने लग जाता है, बाहर के नजारों के बारे में। ईशान बहुत ही खुश होता है ये सब सुनकर। शिवा ईशान को हमेशा खुश रखने की कोशिश करता, उसे जोक सुनाता, कहानियां सुनाता। ईशान की अंधेरे में जाती हुई जिंदगी में मानो शिवा एक उम्मीद की रोशनी बनकर आ गया था। ईशान को शिवा का साथ बहुत ही भाने लग गया था और जिस कारण ईशान ने अपने पुराने दुख दर्दों को भी भुलाना शुरू कर दिया था। ऐसे ही समय बीतता गया, दिन गुजरते गए और उन दोनों की दोस्ती और भी गहरी होती चली गई। पर ऊपर वाले को शायद कुछ और ही मंजूर था। ईशान की जिंदगी में एक ऐसी काली रात आई जिसने उसकी जिंदगी को पूरी तरह से तबाह कर दिया। वो काली रात उसे ऐसा घाव देकर गई जिसे सहन करना तो दूर की बात, सोचना भी ईशान के लिए मुश्किल था। सर बोल क्यों नहीं रहे? अरे सर को क्या बोल रहे? सर आगे क्या हुआ? सर एक रात शिवा की तबीयत अचानक बिगड़ जाती है। ईशान बचाओ, ईशान हेल्प। शिवा डॉक्टर नर्स। शिवा तुम घबरा मत, मैं हूं तुम्हारे साथ, डॉक्टर अभी आते ही होंगे, घबरा मत। डॉक्टर कोई है? हेल्प। नर्स इन्हें जल्दी से ओटी में शिफ्ट करो। एक्सक्यूज मी नर्स, नर्स वो शिवा कहाँ है? तबीयत कैसी है उसकी? किस हालत में है वो? अरे कुछ तो बोलिए, मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी, आप डॉक्टर को बुलाइए। अरे यहाँ खड़े होकर मेरा मुंह क्या देख रही है? जाइए डॉक्टर को बुलाइए। डॉक्टर डॉक्टर देखिए प्लीज शांत हो जाइए, मैं अभी डॉक्टर को बुला के लेके आती हूँ। डॉक्टर वो ईशान पैनिक हो रहा है। ठीक है चलो। डॉक्टर साहब शिवा कहाँ है, किस हालत में और
है कहाँ वो? कोई कुछ बता नहीं रहा, आप कुछ तो बताइए ना प्लीज। देखो शान, बात कुछ ऐसी है कि तुम्हारे दोस्त शिवा को लंग कैंसर था, वो भी लास्ट स्टेज, और हम लोगों ने उसे बचाने की पूरी कोशिश की, पर अफसोस कि शिवा को हम बचा नहीं पाए। आप लोग मजाक कर रहे हो ना मेरे साथ, प्रैंक कर रहे हो ना मेरे साथ? शिवा, मैंने तुम्हारा प्रैंक पकड़ लिया है, बाहर आ जाओ। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। शिवा, शिवा, ईशान, शिवा हमारे बीच नहीं रहा। ऐसा नहीं हो सकता, आप झूठ बोल रहे हो। ईशान वो जा चुका है ये दुनिया छोड़ के। है ऐसा कैसे? उसने प्रॉमिस किया है मुझसे, वो कहीं नहीं छोड़ के जाएगा मुझे। आप खुद को संभालिए वरना आपकी तबीयत बिगड़ जाएगी। शिवा, शिवा, देखिए अब घबराइए मत, शिवा भी आता ही होगा। ईशान, 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 अरे ईशान, शिवा, तुम और कहाँ थे तुम इतने दिनों से? पता मैंने तुम्हें कितना याद किया। क्या हुआ? सब ठीक है? शिवा, मैं तुमसे बात कर रहा हूँ, तुम खुश नहीं हो इतने दिनों बाद मिल रहे हो मुझसे? इसमें खुश होने की क्या बात? मतलब? जिसका दोस्त लंगड़ा हो, जो महीने भर से एक पानी का गिलास तक ना उठा पाया हो, भला उससे मिलने में क्या खुशी? ये तुम कैसी बातें कर रहे हो? और वैसे भी डॉक्टर ने कहा है कि मैं बहुत जल्द ठीक हो जाऊंगा। वो सब झूठ कहा है तुमसे डॉक्टर ने, तुम कभी नहीं चल पाओगे, हमेशा ऐसे ही रहोगे दूसरों पर बोझ बनकर लंगड़े कहीं के। शिवा जुबान को संभालो वरना। वरना क्या, मारोगे मुझे? तो आओ ना मारो, कुछ नहीं कर सकते तुम, बोझ हो बोझ, दोस्ती के नाम पर धब्बा हो तुम धब्बा, जो बोलने के अलावा कुछ नहीं कर सकता। शिवा, क्या शिवा, तुम हमेशा से एक लूजर ही थे और एक लूजर ही रहोगे, लंगड़े कहेंगे। मैं लूजर नहीं हूँ। तुम लूजर हो, यू आर अ लूजर, 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 लूजर। शिवा एक और बार बोला तो देख लेना। बोलूंगा और पूरी दुनिया को बता दूंगा कि ईशान इज अ लूजर, 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 ईशान इज अ लूजर। Ishan is a loser.
हेलो जेंटलमैन, तो कैसे हो तुम अब? और भला तुम रात को वहाँ खिड़की के पास कैसे पहुँच गए थे भाई? वो सब मुझे नहीं पता डॉक्टर साहब, पर वो समंदर कहाँ गया? समंदर? मैं कुछ समझा नहीं। अरे वही जो इस खिड़की के बाहर था। पर ईशान, यहाँ पर तो दूर दूर तक कोई समंदर नहीं है। ऐसा कैसे? शिवा तो मुझे रोज समंदर की कहानियाँ सुनाता था। देखो ईशान, मुझे लगता है आपको कोई गलत फहमी हुई है। मैं यहाँ पिछले 6 सालों से काम कर रहा हूँ और यहाँ दूर दूर तक बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स के अलावा और कुछ भी नहीं है। आप कहना क्या चाहते हो? शिवा मुझसे झूठ कहता रहा? पर क्यों? भला वो क्यों झूठ कहेगा मुझसे? हो सकता है कि वो तुम्हें खुश देखना चाहता हो। पर मुझे समझ में नहीं आ रहा कि उसने क्यों किया होगा मेरे साथ ऐसा। शायद वो तुम्हें जीने की उम्मीद देना चाहता था। उम्मीद। वैसे ये शब्द भले ही देखने और लिखने में बहुत छोटा है, पर ये दुनिया को हिलाने की क्षमता रखता है। ये शब्द टूटे हुए को संभलना, गिरे हुए को चलना सिखाता है। और अभी जो किस्सा आप सभी ने सुना, वो इस शब्द के सामर्थ्य को दर्शाता है, जिसका नाम है उम्मीद। सर सर सर, एक्सक्यूज मी सर, ऑटोग्राफ प्लीज। यस श्योर। अरे बस करना यार, और कितना देगा मुझे? क्या करूं, हर जगह तो ही तो दिखता है। चलें अब।